आप बताओ, ओम प्रकाश राजभर खुलेआम मंचों से कह रहे हैं कि भैया तुम लोग तो आवेदन कर देना, और कॉल लेटर आए तो कॉल कर देना, हमारे साथ तो ऐसे विधायक हैं बेदीराम चुटकी बजा करके नौकरी दे देते हैं। अरे बेदीराम को ऐसा छोटा मोटा हल्का फुल्का बेदीराम किस तरह का व्यक्ति कि वो चाहे वो फर्जी मार्कशीट बनाने का मामला हो, पेपर आउट कराने का मामला हो, एक दो नहीं कम से कम 9 मामले जो है सामने आए हैं, और SIT ने इनकी प्रॉपर्टी सीज करने का भी आदेश दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार SIT के आदेश निर्देश को भी जो है कि ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, और ऐसा लग रहा है जोगी जी का कोई खासम खास जो है के गले में भी फांस बेदीराम की गिरफ्तारी के बाद पड़ सकती है, इसलिए बेदीराम और छेदीराम पर हाथ डालने में उत्तर प्रदेश सरकार कतरा रही है। छेदीराम कौन है? छेदीराम उनके जो मुखिया है सुभाषपा वाले, वो मंगरू भैया। अच्छा, मंचों से जिस तरह से ओम प्रकाश ने इस बात को कहा कि आप लोग आवेदन कर देना, हमारे पास नौकरी के भंडार बेदीराम जी बैठे हैं, इनसे मिल लेना, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो अपराध है। अपराध एकदम खुलेआम अपराध है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और इन दोनों नेताओं पर जो है रासुका लगा करके इनको जेल में निरुद्ध करना चाहिए, और इनकी विधानसभा की सदस्यता कैसे खत्म हो, सदस्यता खत्म करने के लिए भी विधिक कार्रवाई करना चाहिए। कहा कि इंडिया गठबंधन वालों ने जिस तरह से दुष्प्रचार किया है, इसके नाते हमारी सीट कम हो गई, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो संजय निषाद से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन वालों ने आरक्षण के मुद्दे पर गलत प्रचार किया तो तूने सही प्रचार क्यों नहीं किया? अरे भाई आप बताओ कि पहले तो पहली शुरुआत करो, 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, हमें 27% OBC को आरक्षण कोटा चाहिए, कोटा कितना मिला हमें? 18-19,000 पद हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल लिया गया, नौकरी को छीन लिया गया। साथियों नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हूँ। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पेपर लीक मामले में सुभाषपा के विधायक बेदीराम को कहीं न कहीं लेकर टारगेट किया जा रहा है, उनकी सच्चाई भी सामने आ रही है, उनको नकल माफिया कहा जा रहा, तमाम बातों को लेकर चर्चाएं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता और सोशल एक्टिविस्ट लोटन राम निषाद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो स्वागत है हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान चैनल को। क्या लग रहा है जिस हिसाब से बेदीराम को लेकर टारगेट किया जा रहा है, बेदीराम खुद बयान देते नजर भी आ रहे हैं और कहीं कहीं मीडिया से मारपीट करते नजर आ रहे हैं, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे बेदीराम को लेकर? देखिए बेदीराम के प्रकरण में जिस तरह से मुद्दा गर्म हुआ है उछल करके आया है, और बेदीराम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बेदीराम अभी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, मीडिया वालों को हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून की दुहाई देती है, कानून के लंबे हाथ की बात करती है, तो हमें तो ये आश्चर्य हो रहा है कि जोगी जी इतने जो है कि हताश और निराश क्यों हैं, इतना जो है कि निष्क्रिय क्यों है कि बेदीराम पर हाथ डालने से कतरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जोगी के इर्द गिर्द रहने वाले बेदीराम के सिंडिकेट में बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी मछलियां जो है कि शरीक है, इसलिए बेदीराम पर हाथ डालने में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है कतरा रही है। जिस बेदीराम का स्थान आज की डेट में कारागार में होना चाहिए, उसके ऊपर रासुका लगना चाहिए, यह छोटा मोटा मामला नहीं है। 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने वाला, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है नीट का घोटाला हुआ है, पेपर लीक का मामला हुआ है, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है बेदीराम पर नरमी बरत रही है, और छेदीराम जो है कि दभाग दौड़ लगा रहे हैं, कहीं जा करके जोगी जी के साथ बाप बेटे मिल रहे हैं, कहीं जाके अमित शाह और JP नड्डा से मिल रहे हैं। अमित शाह से मिलकर ओम प्रकाश रावण के लड़कों ने हो सकता माफी मांगा हुई, ये कोई बात तो नहीं? देखिए ये माफी, ये बच्चों के सवाल पर माफी का सवाल क्या है? जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में गया, कई बच्चे जो है दर्जनों बच्चे जो है कि सुसाइड करने को मजबूर हो गए, और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या माफी पर माफ कर देगी क्या? आप बताओ, ओम प्रकाश राजभर खुलेआम मंचों से कह रहे हैं कि भैया तुम लोग तो आवेदन कर देना, और कॉल लेटर आए तो कॉल कर देना, हमारे साथ तो ऐसे विधायक हैं बेदीराम चुटकी बजा करके नौकरी दे देते हैं। अरे बेदीराम को ऐसा छोटा मोटा हल्का फुल्का मत समझो, इस तरह का बयानबाजी, और बेदीराम ओ गुप्ता उनका जो सहयोगी है उसको हड़काते हुए डांटते हुए कि ये छोटा सा मामला, 40-40 हज़ार लोगों को मैं नौकरी दे चुका हूँ। हम लोग तो बहुत पहले से जानते रहे कि बेदीराम किस तरह का व्यक्ति कि वो चाहे वो फर्जी मार्कशीट बनाने का मामला हो, पेपर आउट कराने का मामला हो, एक दो नहीं कम से कम 9 मामले जो है सामने आए हैं, और SIT ने इनकी प्रॉपर्टी सीज करने का भी आदेश दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार SIT के आदेश निर्देश को भी जो है कि ठंडे बस्ते में डालने का काम किया,
और ऐसा लग रहा है जोगी जी का कोई खासम खास जो है के गले में भी फांस बेदी राम की गिरफ्तारी के बाद पड़ सकती है, इसलिए बेदी राम और छेदी राम पर हाथ डालने में उत्तर प्रदेश सरकार कतरा रही है। छेदी राम कौन है? छेदी राम उनके जो मुखिया है सुभाषपा वाले, वो मंगरू भैया। अच्छा। आज वही हैं जो देख लीजिए कि इस तरह के दावे कर रहे हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ नेताजी, मंचों से जिस तरह से ओम प्रकाश ने इस बात को कहा कि आप लोग आवेदन कर देना, हमारे पास नौकरी के भंडार बेदी राम जी बैठे हैं, इनसे मिल लेना, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो अपराध है। अपराध एकदम खुलेआम अपराध है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इन दोनों नेताओं पर जो है रासुका लगा करके इनको जेल में निरुद्ध करना चाहिए और इनकी विधानसभा की सदस्यता कैसे खत्म हो, सदस्यता खत्म करने के लिए भी विधिक कार्रवाई करना चाहिए जो विधानसभा सचिवालय के द्वारा संचालित होती है। और ओम प्रकाश राजभर जो इनके दुलारे हुए हैं, उनको पंचायत राज मंत्री कई अधिकारियों को हड़काने डराने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मैं घोसी में देखा तमाम प्रधानों को जाके हड़का रहे हैं, अरे पंचायत राज विभाग हमारा विभाग हो, अगर हमारा बेटौआ हारा चुनाव तो आप समझना तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। तो ये भी कहते मैं हज मंत्री हूँ, बताऊँगा मुसलमान भाइयों को, ये बताएंगे हज मंत्री हैं तो क्या करेंगे, हज करने से रोक लेंगे। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो है ना, देखिए जहाँ तक है कि जोगी जी को संज्ञान लेना चाहिए, अगर जोगी जी संज्ञान रही है क्या नहीं चल पा रहे क्या जोगी जी लगता है इस समय जो है, क्योंकि यहाँ पर दो फाड़ बीजेपी में लग रहा है कि अमित शाह और मोदी का एक अलग गुट है और इनका जो है कि जोगी जी का अलग है, और ये कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं, इसलिए जो है कि ये विवश हैं, लाचार हैं, इसलिए बेदी राम छेदी राम पर हाथ डालने से कतरा रहे हैं। नहीं तो तुरंत ये सरकार अगर वास्तव में सूचिता पर चलने वाली होती तो तुरंत जो है कि छेदी राम को तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, पहला काम होना चाहिए। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया बनती है आईपीसी की सीआरपीसी की जो धाराओं में इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, पेपर आउट कराने वाले, पेपर लीक कराने वाले, फर्जी मार्कशीट बनाने वाले, इनकी तमाम प्रॉपर्टी चिन्हित किया था एसआईटी ने। गोमती नगर में 9 जो है कि इनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान मकान और फ्लैट हैं। आप यही हमारा जो लखनऊ जौनपुर रोड पर जो है 6000 वर्ग फुट की जमीन है, अंसल में गोल्फ सिटी में जमीन है, दो पेट्रोल पंप है, आखिर ये कहाँ से आ गए भैया, कौन सा इनका आर्थिक स्रोत था? ये छेदी राम कई बार जेल जा चुके हैं और यहाँ पर पहला मुकदमा जो है आसियाना थाने में दर्ज हुई थी और ये जेल में बंद थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम राजस्थान में इनके ऊपर मुकदमे कायम हैं, कहीं रेलवे का पर्चा आउट करा देना, कहीं पुलिस भर्ती का पर्चा आउट करा देना, कहीं व्यापम का पर्चा आउट करा देना, तो यही इनका तो रोजी का धंधा रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बेशर्म हैं, बेहया हैं, निर्लज्ज हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनके दीदा का पानी इतना गिर गया है, कहते कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। अरे भैया बताओ भ्रष्टाचार की जननी कौन है आप बता दो ना, आप बताओ, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लो फरवरी से आज तक का। पहले तो आरोज्य और यारो का पर्चा आउट कराया, उसके बाद जो है कि उसी महीने एक हफ्ता के बाद 61,000 पुलिस भर्ती का पर्चा आउट करा दिया, फिर उसके बाद आप देख लो कि नीट पीजी और यूजी का पर्चा आउट हो गया, फिर उसके बाद आप देखो जेआरएफ के द्वारा जो है जो नेट यूजीसी का पेपर आउट हो गया, और दूसरे दिन संज्ञान लेकर के तुरंत जो है कि नेट की पुनर्परीक्षा का आदेश कर दिया गया। तो भैया बताओ कि नीट वाले पर ऐसा क्यों नहीं री एग्जाम की बात कर रहे हो? आप बताओ कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चे 720 में 720 पाए हैं, और यह इसलिए हाथ नहीं डाल रहे हैं, सबसे बड़ा जो इसका सरगना है वह प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी है। प्रदीप कुमार जोशी आरएसएस के कैडर है और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन होता है भारतीय जनता पार्टी का, बरेली महानगर के अध्यक्ष रहे, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, वहाँ पर ये प्रोफेसर रहे। इसके बाद जब यह व्यापम का घोटाला हुआ तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे, छत्तीसगढ़ में जो पर्चा आउट हुए वहाँ पर ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण अभिकरण जो होता है उसके चेयरमैन हैं। अभी हमको पता लगा विश्व सूत्रों से कि यह संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनने के लिए अपनी फाइल को दौड़ा रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है कि यह दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, जो खुद कीचड़ में दबे हुए हैं, जिनके पांव कीचड़ में फंसे हुए हैं, वह दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। और अब तक रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है
15 राज्यों में समझिए कि 72 पेपर आउट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पर्चा आउट कराने में, पेपर लीक कराने में जो है रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। और यह छात्र नौजवान जो है कि निश्चित रूप से आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव हुआ, आप कितना बताओगे। एक चीज़ मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहता हूँ, मैं NTA से जानना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जानना चाहता हूँ कि जब पहले घोषणा कर दी गई थी कि नीट का परिणाम 14 जून को आउट किया जाएगा जी, तो लोकसभा चुनाव की मतगणना किस दिन तारीख को थी, 4 जून को, तो 10 दिन पहले जो है कि नीट का परिणाम घोषित क्यों किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि लोकसभा चुनाव के चहलकदमी में हो हल्ला में नीट के घोटाला पर पर्दा पड़ जाएगा, और इसीलिए 10 दिन पहले जो है 14 जून की बजाय 4 जून को जो है नीट का परिणाम घोषित करने का काम किया गया। अरे भाई बताओ, सभी लोग मूर्ख हैं। जब उसमें पहले से नियम बना है कि नीट में 180 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न का जो हर प्रश्न का अंक जो है 5 नंबर का 4 नंबर का होगा, और कोई छात्र अभ्यर्थी अगर एक प्रश्न गलत करेगा तो एक प्रश्न का 4 नंबर तो माइनस हुआ, 1 नंबर माइनस मार्किंग तो 5 नंबर हुआ। तो अरे बेईमानों, भ्रष्टों, तुम जनता को गुमराह करोगे। 719 नंबर कैसे पा गया कोई भाई, 717 718 नंबर कैसे पा गया? आप एक प्रश्न भी एक अभ्यर्थी अगर गलत किया होगा तो 5 नंबर 720 में से कम कर दो, कितना हुआ, 720 माइनस 5 इक्वल टू 715 हुआ ना, तो 716 717 718 19 कहाँ से नंबर आ गया। देखो, चोर जब चोरी करता है या कोई अपराधी अपराध करता है तो कोई न कोई जो है कमजोरी को छोड़ देता है, सुराग कोई न कोई रहता है जिसके चलते जो है वह पकड़ में आ जाता है। तो यह NTA के चेयरमैन ने जो घोटाला किया अफरा तफरी में, एक एक पद 30-30 एक एक नीट के लिए 30 लाख से लेकर के 50 लाख रुपया तक की वसूली हुई है, और इसलिए ये पेपर आउट कराया जाता है। पेपर आउट करा क्यों रही है भाजपा, क्योंकि यार देखो, पहले तो जब आरक्षण BP सिंह की सरकार ने किया तो इन्होंने क्या कहा था कि आरक्षण तो बैसाखी है, आरक्षण तो भीख है, आरक्षण से अयोग्य का चयन होगा, प्रतिभाशालियों की प्रतिभा खंडित होगी। और जब यह OBC SC ST के लड़के कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने लगे तो सवर्णों के बच्चे पीछे जाने लगे और पिछड़ों के लड़के आगे बढ़ने लगे। जितने भी भर्ती परीक्षाओं का कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ मेरिट आप देखोगे तो सवर्णों से अव्वल हमारे बच्चे जा रहे हैं। इस नाते से कि अब तो जितना भी चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे JEE का परीक्षा हो, चाहे JRF की परीक्षा हो, अगर परीक्षा परिणाम के आधार पर, एग्जाम के आधार पर अगर चयन होगा तो सवर्ण कहीं नहीं रह जाएगा, OBC SC ST वाले जो है बाजी मार जाएंगे। इसलिए कि हमारे OBC SC के लड़के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर न बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पर पेपर लीक कराने का षड्यंत्र कर रही है। और जनता ने तो बदलाव के लिए मतदान किया था। लेकिन संजय निषाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन वालों ने जिस तरह से दुष्प्रचार किया है इसके नाते हमारी सीट कम हो गई, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो संजय निषाद से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन वालों ने आरक्षण के मुद्दे पर गलत प्रचार किया तो तूने सही प्रचार क्यों नहीं किया? अरे भाई आप बताओ कि पहले तो पहली शुरुआत करो, 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, हमें 27% OBC को आरक्षण कोटा चाहिए, कोटा कितना मिला हमें, 18-19 हज़ार पद हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल लिया गया, नौकरी को छीन लिया गया, 3.46% केवल कोटा मिला, तो 23.5% किसका कोटा मारा गया, हमारे OBC का। SC को 21% कोटा मिलना चाहिए, और SC को कोटा कितना मिला, 15.61%, तो 5% से अधिक तो कोटा SC का भी आपने मार लिया। आप कोई भी भर्ती देखो, ग्राम विकास अधिकारी के 1486 पद निकले थे, मिलना चाहिए था हमें पद 396, और पद कितना मिला, 137, यानी 249 पदों की खुली डकैती। बेसिक से ये BE वो होते हैं, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, उसके 150 पदों पर भर्ती निकली, OBC का कोटा 0/0। खंड शिक्षा अधिकारी का, खंड विकास अधिकारी का 336 पद निकला, OBC का कोटा 0/0। हर भर्ती में आप देख लो 0/0, जो OBC को 27%, SC को 21%, ST को 2% कोटा मिलना चाहिए, चाहे केंद्रीय नियमावली के तहत OBC को 27, SC को
15 और ST को 7.5% कोटा मिलना चाहिए, उसको उसके आधार पर सीटों का बंटवारा न करके भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जो है OBC SC ST के आरक्षण कोटे की हकबारी कर रही है। ये संजय निषाद जैसा, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों को, अब अनुप्रिया पटेल का चिट्ठी लिख रही है मुख्यमंत्री को, लिख रही बेशर्मी की हदें पार हो गई। इसलिए ये छटपटाई हुई है कि समाजवादी पार्टी से 7 कुर्मी के बेटा जो है कि सांसद बन गए। 7 कुर्मी पहली बार इतिहास में समाजवादी पार्टी से सांसद बना है, इसलिए अनुप्रिया पटेल की दुकान पर ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय निषाद ओम प्रकाश जैसा, अरे भाई संजय का बिटवा हार गवा, ओम प्रकाश का बिटवा हार गया, बड़ा बड़ा तीर चला रहे थे, अनुप्रिया पटेल को भी हारना था। अच्छा। अगर ऐन मौके पर अगर प्रत्याशी में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो अनुप्रिया पटेल की दुकान पर भी ताला लगने वाला था। चलेगी लेकिन चलेगी, अरे वो छटपटा दी, वो हो सकता है 1-1 महीना में हमारे साथ आ जाएंगी। अच्छा। और आ जाए, अनुप्रिया पटेल का कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर उनका जमीर जिंदा हो गया, जो जमीर को भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कर दिया था, तो भैया हम लोग तो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अगर अनुप्रिया पटेल अगर हमारे साथ आ जाती हैं तो उनके आने का स्वागत हम करेंगे। भैया देर आए दुरुस्त आए, अब वैसे आ जाओ, कम से कम जो लड़ाई सामाजिक न्याय की है, संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है, अगर इसमें कोई कभी खलनायक बनकर के रहा, हो सकता है भाई नायक बनने के लिए अगर आता है तो ऐसे लोगों को, तो भैया हम लोगों को सुधारने का वर्कशॉप चलाना है ना। तो ये अनुप्रिया पटेल केवल बस, अगर इतना सांसद अगर कुर्मी बिरादरी के नहीं जीते तो अनुप्रिया पटेल का जो कल जमीर जागा है कि NFS दिखा करके जो साक्षात के आधार पर नौकरी दी जाती है तो OBC SC का को बाहर कर दिया जाता है। 10 बरस तक मलाई खात रही थी जब, और आपका जवन हमारा घरवाला जवन हुआ है आशीष पटेल जवन हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में मलाई चाट रहे थे, तब वो पिछड़ों की हकबारी नहीं दिखाई दे रही थी, दिखाई 10 बरस के बाद हकबारी दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये लोग जो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, OBC SC ST का ध्यान जो है असल मुद्दों से हटाने और भटकाने का में लगे हुए हैं। तो अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद, ओम प्रकाश, लाख कवायद कर लें। अब OBC SC ST जो है भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों का कि असली चेहरे को पहचान गया है कि कौन समाज के लिए लड़ाई लड़ता है और कौन समाज को मोहरा बना करके केवल अपने घर परिवार को बढ़ाने का, मलाई खाने का काम करता है, समाज को तबाह और बर्बाद और आरक्षण से वंचित कराने का काम करता है। ऐसे नेताओं का चेहरा जनता के सामने आ गया है। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोटन राम निषाद, जो अपनी बेबाकी से लगातार जाने जाते हैं। चुनाव में बहुत मेहनत इन्होंने किया, लोकसभा चुनाव में हर जनपदों में जाकर अपनी बात बुलंद किया। आज जनपद हम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।